नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। प्रदेश ही नहीं, देश की सुपर हॉट सीट में शामिल मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर खंडक की लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के इस अजेय गढ़ को भेदने के लिए बीजेपी रणनीति अपना रही है। आखिरी दौर में पार्टी ने अपने बड़े कमांडर अमित शाह को रणभूमि में उतारकर रोड शो के जरिए बड़ी धमक बना दी है। वहीं अपनी प्रतिष्ठा और बेटे की सियासी भविष्य को बचाने के लिए कमलनाथ हर सियासी दांव चल रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी आज की एक खास पेशकश, छिंदवाड़ा पर आखिरी दांव। चर्चा को विस्तार दें उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान छिंदवाड़ा सीट भाजपा के लिए साख का सवाल बन गई है। इस सीट पर एक उपचुनाव को छोड़ कांग्रेस के अलावा भाजपा या अन्य कोई दल यहां नहीं जीता है। पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ के इस गृह क्षेत्र और किले में इस बार भाजपा ने सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बाद अब 16 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा में रोड शो करने पहुंचे। प्रदेश सरकार पूरी तरह से छिंदवाड़ा पर फोकस कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद से अब तक 7 बार छिंदवाड़ा जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार में वे लगातार छिंदवाड़ा जा रहे हैं और कमलनाथ और कांग्रेस पर हमलावर है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, मंत्री प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय छिंदवाड़ा में ही कैंप किए हुए हैं। भाजपा ने छिंदवाड़ा सीट जीतने के लिए कमलनाथ के करीबियों को ही तोड़ लिया। अमरवाड़ा से विधायक कमलेश शाह, छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, चौड़ाई से पूर्व विधायक गंभीर सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कर लिया गया है। वहीं बीजेपी का शहर में वोट बैंक है। इस बार भाजपा सबसे ज्यादा अपना प्रचार ग्रामीण इलाकों में कर रही है। बीजेपी प्रत्याशी लगातार गांव के दौरे कर रहे हैं। यहां से कांग्रेस के वोट बैंक को तोड़ा जा रहा है। पिछले चुनाव में कमलनाथ को लीड वोट में आधे अमरवाड़ा से मिले थे। यह आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित विधानसभा सीट है। भाजपा ने अमरवाड़ा विधायक कमलेश्वर शाह को पार्टी में शामिल कर लिया है। इससे कांग्रेस के बड़े वोट बैंक में सेंध लग सकती है। अमित शाह जी, आज आपको बताना पड़ेगा इस प्रदेश को कि मोदी की 5 गारंटियां 2023 में हुई थी, जिसमें आपने किसानों के 2700 रूपये गेहूं की बोला था, आपने 3100 धान का बोला था, आपने चिल्ला चिल्ला कर ग्वालियर से लेकर पूरे प्रदेश में आप आए थे, तब आपने 3000 बहनों को देने की बात की थी, आपने 450 के सिलेंडर की बात की थी, आपने बहुत सी बातें वो जो प्रदेश को गुमराह करने के लिए की थी, आज तक क्यों नहीं पूरी हुई, ये उत्तर तो अमित शाह जी को देना पड़ेगा। वही कांग्रेस छिंदवाड़ा सीट को लेकर विश्वास से भरी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि एक बार फिर से छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस जीत हासिल करेगी। कांग्रेस की तैयारी है इस बार फिर से बीजेपी को मात मिलेगी। कमलनाथ के कामों पर जनता मोहर लगाएगी। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। इस चर्चा में शामिल होने के बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस प्रवक्ता हृदेश किरार और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिनेश निगम जी आपका। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे साथ जो है प्रेम व्यास जी, ये बताएं कि बीजेपी जो है 400 पार के नारे के साथ मैदान में है, छिंदवाड़ा सीट कितनी महत्वपूर्ण है? चलिए आवाज ठीक कराइए प्रेम जी की, जब तक सवाल लेते हैं हृदेश जी। हृदेश जी, कांग्रेस के लिए इस सीट की वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में देखा जाए तो एक अजेय गढ़ माना जाता रहा है। पहले भी 2014 और जो 19 के चुनावों में देखा जाए तो एक सीट ये बची रह गई थी। इस बार आपको क्या वहां पर आपको लगता है इसके अलावा और कितनी सीट की आप रखते हैं और आदिवासी इलाकों में और कितनी सीट मिल सकती है? सभी को नमस्कार और नववर्ष की सबको नवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से काम कर रही है तो उनकी बौखलाहट निश्चित ही दिख रही है, क्योंकि पब्लिक समझ चुकी है कि जो 400 पार का नारा दे रहे हैं वो 400 पार का उनका जुमला है, क्योंकि पूर्व में भी इनने जगह जगह स्टेट में जगह दिए थे और वो कभी अचीव नहीं कर पाए हैं। तो ये एक बौखलाहट उसके ना परिणाम दिख रहा है। और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में वो फोकस कर रही है या ना आदिवासी क्षेत्रों में, क्योंकि आम जन समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए कुछ नहीं बेटा, क्योंकि एमएसपी की जो आपने स्थिति देखी है कि मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है,
बेरोजगारी की हालत देखिए, इनके संकल्प पत्र में कुछ भी नहीं है, ना रोजगार के कोई साधन है पब्लिक और महिलाओं के लिए, तो आप देखिएगा। और बुजुर्गों की बात जो करते हैं तो बुजुर्गों के लिए भी इन्हें जो स्थिति पैदा की है, आपने देखा होगा रेलवे में इनके फ्री पास जो उनको छूट मिलती थी वो तक बंद कर दी है। तो भारतीय जनता पार्टी को के पास अब जुमले के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। रही छिंदवाड़ा की बात, तो छिंदवाड़ा में जिस ढंग से जो लोग काम कर रहे हैं, तो कमलनाथ जी के स्वाभाविक है, कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा मॉडल आपने देखा होगा कि पूरे देश में फेमस है। कमलनाथ जी ने जिस ढंग से विकास किया है, कमलनाथ जी जो आज तक जो कमलनाथ छिंदवाड़ा का देखा है, तो भारतीय जनता पार्टी के कले की हड्डी बन चुके हैं। और छिंदवाड़ा का तो पूरे प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है, माननीय जीतू पटवारी के नेतृत्व में हम सरकार के साथ ही केंद्र में सरकार तो बना ही रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर भी हम बहुत ज्यादा सीटों पर ना फोकस कर रहे हैं। और जो चेहरे दिए हैं हमारे जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में, हम मध्य प्रदेश के अंदर जब 10 डबल अंकों में पहुंच रहे हैं, और निश्चित ही हम ना बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे। चलिए चलिए आप बताएंगे कि जो घोषणा आपने आपने अपना पक्ष रखा, इन्हें 10 साल में किए वो आज तक पूर्ण नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल, आपने अपना पक्ष रखा और आपने दावे किए हैं। प्रेम जी से बात करते हैं, ये बताएं कि मैंने आपसे पूछा था कि 400 पार का नारा बीजेपी का, छिंदवाड़ा कितनी महत्वपूर्ण सीट है, बड़े से बड़े नेता ये कहें, गृह मंत्री जी का भी कुछ देर बाद वहां पर रोड शो भी होने वाला है, क्या कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए दो चीजें हैं, कमलनाथ जी की अगर पूर्व की बात करें तो कमलनाथ जी वहां से 1,21,000 वोट से जीते हैं, उसके बाद में जो 1,16,000 वोट से जीते हैं, और जब उनके पुत्र वहां से चढ़े हुए तो लगभग 37,000 वोट से जीते हैं। मतलब वहां की जनता से विश्वास तो उनका निरंतर घटता जा रहा है। हम इसीलिए पूरी 2900 सीटों की बात कर रहे हैं कि 2900 सीटों पर गाँव में शहर में, और जिस तरह से हम एक एक बूथ पर पहुंचने का कार्य कर रहे हैं, एक एक बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, और उसी कड़ी चाहे प्रदेश नेतृत्व हो चाहे केंद्रीय नेतृत्व, हमें अपना जो नेतृत्व वो हमें अपनी संसदीय क्षेत्र में हमारे विधानसभा क्षेत्र में दिखता रहा है। दूसरी बात है कि जो कमलनाथ जी का जो एक आवरण था, निश्चित रूप से वो आवरण पूर्ण रूप से टूट चुका है। देखेंगे अगर आदिवासी नेता जो थे कमलेश जी या विक्रम हाके जी, निश्चित रूप से वो कमलनाथ जी से दूरी बना चुके हैं, उनके हनुमान कहे जाने वाले सक्सेना जी वो कमलनाथ जी का साथ छोड़ चुके हैं, कई जनपद सदस्य पार्षद। और उसके पूर्व की बात है कि अगर वहां पर विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया था, तब तो वहां के जितने भी लोग थे भारतीय जनता पार्टी के साथ विकास की राजनीति की ओर अग्रसर हुए हैं। और जो एक सामंतवादी सोच और परिवारवाद के तहत जब वो पूर्व में जब हार रहे थे, तब भी यही परिणाम था। और उसके बाद में अभी की जो परिस्थिति, निश्चित रूप से हम पूरे 2900 विधान संसदीय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी विजय पताका लहराने की परिस्थिति में है। चलिए, आप नेताओं का, बीजेपी के नेताओं ने पूरा 29 की 29 सीटों पर दावे कर रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जी, पहला सवाल तो ये कि आपको लगता है कि जिस तरह से गारंटी के लिए कोई बात कर रहा है, मोदी गारंटी, सभी जो प्रत्याशी हैं प्रत्याशी से बढ़कर मोदी गारंटी के नाम पर वोट है, लगता है पहली बार आपने इस तरह से चुनाव देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री हैं उनकी गारंटी उसको लेकर लगता है कि प्रत्याशी गौड़ हो गए हैं ऐसे समय में? नहीं, देखिए क्या है अमित जी, कि अगर अपन देखें 2019 का चुनाव भी देखें जी, तो ये सही है कि चुप्पी लोगों ने, मतदाताओं ने साधी थी और चुप्पी रखी मतदान होने तक, लेकिन फिर भी फैक्टर तो मोदी का ही चला, मोदी जी का ही चला जी। और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल की जगह लोग मोदी मोदी यही करते रहे, और जो वोटिंग भी हुई, मेरा जो अपना मानना है, जो परसेंटेज जैसा भी, और खासतौर से युवाओं का जो परसेंटेज था, नए वोटरों का जो परसेंटेज था, वो मोदी के तरफ डिवोटेड हुआ और मोदी के लिए जो है उन्होंने वोट किए। तो अपन ने ये तो कह सकते हैं कि ये शुरुआत 19 से शुरू हो चुकी है, अब उसको उन्होंने थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के पुटअप कर दिया कि अब नहीं, उन्होंने जो 5-6 गारंटी दी है प्रधानमंत्री जी ने, उस गारंटी को हम पूरा करेंगे। ऐसा जहां भी भारतीय जनता पार्टी की स्टेट है वहां के सीएम उस बात को दोहरा रहे हैं, सीएम जो सेंट्रल के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी जो जाते हैं तो वो एक ही बात बोलते हैं, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के गारंटी में वोट मिलेगा। सवाल ये है कि आप अगर अमित जी आप देखें कि जिस तरह से 19 में मतदाताओं ने चुप्पी साध रखी थी, अभी भी मतदाता खुल करके रोड पर नहीं आया, अभी भी मतदाता का रूप जो है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उसका झुकाव किधर होगा। परिस्थितियां उस समय जब मतदान जितना नजदीक आता जाएगा मतदान की तारीख, उसके बाद एक रुझान के रूप में अपन मीडिया, जैसे अपन लोग मीडिया के लोग हैं, तो अपन एक अपने स्तर से उसकी खोजबीन करके एक अंदाजा लगा लेते हैं कि नहीं यहां ऐसा हुआ होगा।
बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो सवाल ये है कि इस तरह से मोदी मोदी करके फैक्टर बता करके अगर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस गुमान में है कि नहीं हम 29 के 29 चुनाव 29 के 29 लोकसभा जीत लेंगे, तो मुझे देखे मेरा जो अपना अनुभव है, मैंने भी बहुत देखे, बहुत चुनाव देखे, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ छिंदवाड़ा को ही टारगेट, मतलब बनाया तो उन्होंने सभी को है लेकिन छिंदवाड़ा पे उन्होंने ज्यादा टारगेट किया। जी आपने आपने बिल्कुल ठीक है, छिंदवाड़ा में ज्यादा टारगेट इसलिए बनाया है कि पहले 28 सीट उनको मालूम है जीत चुके हैं, एक सीट और रह जाती है जिस पर उनको पूरी नजर रखनी है। आपने देखा है कि मुख्यमंत्री 7 बार गए हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दूसरी बार वहां पहुंच रहे हैं, लगातार बड़े बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं। अमित जी आप ये क्यों नहीं देख रहे? एक सवाल मेरा हृदेश किरार साहब से है, ये बताएं कि बड़े नेता कांग्रेस के वहां क्यों नहीं पहुंच पाए? क्या लगता है पूरा दारोमदार कमलनाथ जी पे छोड़ दिया है? देखिए ऐसा है ना, नहीं है, बड़े नेता अपनी जगह फोकस कर रहे हैं। आपने जिस ढंग से देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो गंदी है ना डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है, कल देखिएगा उन्हें है ना पुलिस को पहुंचा के कमलनाथ जी के बंगले में जिस ढंग से जो प्रोपोगंडा किया है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने खुद ही उसको बोला है कि झूठी है ना जो बनाई गई है वो सब कुछ है। तो आपने देखा होगा कि परिषद की जो राजनीति कर रहे हैं, कमलनाथ जी एक ऐसे स्तंभ है कि जो प्रदेश के नहीं देश के नेता है, उनने मध्य प्रदेश के अंदर जो विकास की गंगा जब केंद्रीय मंत्री रहे थे उन्होंने किया, छिंदवाड़ा तो एक छोटा सा वो है लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में आज योजनाएं देख रहे हैं वो सब उनकी है। तो कमलनाथ जी अपने आप में एक बहुत बड़े लीडर है। बिल्कुल आपने आपने ठीक कहा, प्रदेश बाकी रही जी, देखते हैं सीट पे लेके क्या होता है। एक प्रेम व्याजी ये है कि लगातार देख रहे हैं कि जो अभी दिनेश जी भी कह रहे थे कि मोदी की गारंटी को लेकर जो भी नेता हैं, बड़े बड़े नेता जरूर वहां पर गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की जो 6 सीटें हैं उस पर मोदी की गारंटी को लेकर ही पूरा फोकस किया जा रहा है। तो आपसे जानना चाहते हैं क्या लगता है आपको कि मुद्दे बीजेपी जो उठा रही है, जो जो उनके पूरे घोषणा पत्र में थे, लेकिन उससे कहीं बढ़कर मोदी की गारंटी है? एक बहुत इंदिरा गांधी जी के समय से या राजीव गांधी जी के समय से या अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से एक दो पार्टियों में आता है जब एक नेता अक्रोश पार्टी लाइन जनता के मत में अपनी अभिव्यक्ति को स्वीकारोक्ति के साथ में जनता उसको स्वीकार करती है। निश्चित तौर से अभी जो दौर है आप विपक्ष का एक भी नेता बता दीजिए जो नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है और जो उन्होंने गारंटी दी है विकास कार्य कराया उसके समानांतर भी खड़ा हो विपक्ष का पूरे इंडिकेटर मुख्यमंत्री शौचालय के निर्माण की बात हो, आयुष्मान कार्ड की बात हो, ईपीएफओ और शक्ति को लेकर राहुल गांधी जी पूर्व बयान दे चुके हैं, दूसरी बार हम परिवार को लेकर बात कर रहे हैं। तो जब परिवार को आनंद की आवश्यकता पड़ती है तो निश्चित रूप से विकास विचार और संस्कारित राष्ट्रवाद की आवश्यकता पड़ती है और इन्हीं सब चीजों में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकारोक्ति और किसी भी अन्य दल से ज्यादा है, इसलिए हम बात करते हैं कि हम 400 बदल जाएंगे। अभी आप कुछ समय की अगर बात करेंगे तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन का कोई भी बड़ा नेता छिंदवाड़ा में नहीं जा रहा है। आप देखेंगे कमलनाथ जी अपने ही गढ़ में कई दो गए, कमलनाथ जी जो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ चुके हैं, अपने गढ़ से आज परिस्थिति ये है कि बाहर नहीं आ रहे। अगर से बाहर अगर कोई बातें आ रही तो वो पैसे बांटने की बातें आ रही है जिसमें कांग्रेस के महामंत्री स्तर के नेता बनाया जा रहा है। अगर वहां से कुछ बाहर आ रहा है तो अभी
अश्लील सीडी जो बनाने का कार्य किया जा रहा था वे चीजें बाहर आ गई। दिग्विजय सिंह साहब अपने ही घरों में संरक्षित हो चुके हैं। देखिए वे जिस तरह से अश्लील अश्लील नृत्यों जनता को इकट्ठा करने की कोशिश हुई, तो मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है जिस तरह से राहुल गांधी जी अपनी सीट से चल रहे वापस आने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह से हम कह रहे हैं कि हम 400 सीटों पर हमने अगर विकास किया है, हमने अगर विकासवाद की राजनीति की तो निश्चित रूप से जनता हमारा साथ देगी और पूरी 2900 सीटों पर पुनः भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। ठीक है, ठीक है व्यास जी। लेकिन दिनेश जी ये बताएं कि जो छिंदवाड़ा की सीट थी एक बार सुंदरलाल पटवारी वहां से जीते थे, हाँ, बाय इलेक्शन में जीते थे, लगता है कि अभी जिस तरह से लगातार वो गढ़ जैसे कमलनाथ का विकास का मॉडल की बात हुई, लगा कि उन्होंने जो क्षेत्र में जो बात की है या जो उन्होंने काम किया है उसके बाद लगातार उनके नकुलनाथ भी वहां से जीते, तो लगता है कि क्या कमलनाथ के काम पर किसी तरह के इस तरह से जो किया जा रहा है जो प्रचार किया जा रहा है वो भारी पड़ सकता है क्या? नहीं देखिए, अगर कमलनाथ जी का बैकग्राउंड अपन देखें तो जो कमलनाथ जी की जीत का कारण था वो छिंदवाड़ा मॉडल ही था। उन्होंने जिस तरह से छिंदवाड़ा को डेवलप किया, छिंदवाड़ा मुझे भी अच्छी तरह याद है, आज से 40 साल पहले मैं एक बाई इलेक्शन में, उसमें बाई इलेक्शन नहीं असेंबली के विधानसभा के चुनाव में मैं गया था, मैंने देखा था 40-45 साल पहले कि अमित जी आप बिलीव करें या ना करें, बहुत मतलब उसको अपन मान के चलें कि 20-25% के अंदर हुई वो पूरी सिटी थी और माने अंदर रोडों का इतना ढंग से वो विस्तार था, लेकिन जिस तरह से कमलनाथ जी ने उसको डेवलप किया, जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग करके वहाँ को जिस तरह से उन्होंने उसका मॉडल का जो प्रारूप प्रस्तुत किया आम जनता में, उसी का कारण है कि वो लगातार चुनाव जीतते रहे। लेकिन ये जो दो चुनाव हुए हैं 19 का और अभी का चुनाव जो होने जा रहा है 2024, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मतदाता जो है वो उसके साथ डेवलपमेंट और ये वो जो था उसके लिए तो उन्होंने वो उधारी पटा दी, उन्होंने इतने बार जीता करके उधारी पटा दी और बीच में एक बार उन्होंने बाई इलेक्शन में अपने स्वर्गीय पटवा जी को भी जितवाया था उन्होंने। तो सवाल ये है कि अगर अपन कमलनाथ जी इस गुमान में रहे कि नहीं हमने जो डेवलप किया है उसमें हम वोट करके हम फिर से फाइट करेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जनता वर्तमान देख करके आज वोट करती है। अगर 19 का वोटिंग में परसेंटेज देखें तो वर्तमान को देख करके वोट करती है कि वर्तमान में अमित जी आपका व्यवहार हमारे प्रति कैसा है, जी, ना आपने क्या किया है क्या नहीं किया। तो सवाल ये है कि अगर उसमें ही इसीलिए वही कारण है कि कमलनाथ जी का जो छिंदवाड़ा से हट नहीं पा रहे हैं उसका कारण सिर्फ यही है। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि शायद मेरी जो जानकारी है कमलनाथ जी ने स्वयं नेताओं से ये कहा है कि नहीं भैया मुझे यहीं रहने दो और यहाँ आने की किसी को जरूरत नहीं है, मैं अपने हिसाब से हम अपनी जनता के बीच में जाऊंगा और मैं अपने हिसाब से अपनी जनता को मूड करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने बात रखी है हृदय जी। ये एक बात यह है कि जो कमलनाथ मॉडल की बात छिंदवाड़ा मॉडल की जो बात होती थी जो उन्होंने बार बार किया, लेकिन जब मौका मिला था यहां पर मध्य प्रदेश में यहां पर यो मॉडल जो है उस तरह की नहीं कर पाए, तो लगता है कि इस बार क्या विकास के नाम पर इस तरह से वोट मांगकर इस बार कुछ यहां पे चमत्कार होगा क्या? देखिए विकास की जो बात करते हैं 18 साल लेना भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में शासन रहा। कमलनाथ जी हमेशा छिंदवाड़ा के विकास की बात करते हैं, उस पर थोड़ा सा बताएं पहले। हाँ कमलनाथ जी की बात कर रहा हूँ, कमलनाथ जी को जो मौका मिला, कमलनाथ जी को पब्लिक ने जो मैंडेट दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से खरोट खरोट की राजनीति, देश के अंदर कलंकित मध्य प्रदेश को बनाने में जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि निर्वाचित सरकार को गिरा दिया, कमलनाथ जी का कभी पूरा टाइम मिलता तो कमलनाथ जी निश्चित ही छिंदवाड़ा मॉडल का मध्यप्रदेश मॉडल पूरी दुनिया में बनाते हैं। इंडिया की बात तो छोड़ दीजिए आप, क्योंकि कमलनाथ जी एक बहुत बड़ा विजन है, उनका वर्किंग करने का तरीका है, छोटे छोटे मतलब दलित आदिवासी वर्ग को लेके साथ चलने का है, दूसरी बात सर्वाधिक वर्ग के लिए काम करना है, इंडस्ट्री के मामले में मास्टर माइंड है इंडस्ट्रियां लाने के लिए। लेकिन आज मध्यप्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बताइए कौन सी इंडस्ट्री बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, आम जन के लिए ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है, जनरल बोगियां खत्म कर रहे हैं आम जन के लिए। आप देखिए महिलाओं की बात करें, महिलाओं के लिए इनके संकल्प पत्र में कुछ भी नहीं है, एमएसपी की बात करेंगे तो एमएसपी में किसानों को साथ धोखा हो रहा है। तो ये क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है उसमें कतनी और करनी में अंतर है। 29 फीट की बात कर रहे हैं, ये 29 फीट क्या मैं समझता हूं कि ये एक सीट भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश के अंदर जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में एक बड़ा प्लान लेके चले हैं कमलनाथ जी ने, चूंकि क्या है आज भारतीय जनता पार्टी डर के मारे सारे नेता छिंदवाड़ा की ओर जा रहा है, कभी इनने इतना ही विकास किया होता तो आओ मैदान में तो उसको देख लो
क्यों करो, क्यों गली गली छिंदवाड़े की तरफ जा रहे हो, खरीद फरोख की राजनीति क्यों कर रहे हो? ये झूठे जो बंटी साहू ने खुद कहा कि मेरी स्थिति झूठी है, पुलिस को ले जाके क्या प्रेशर देना चाहते हैं? देखिएगा मध्यप्रदेश में जिस ढंग से हुआ था, पूरी सीटें कमलनाथ जी के क्षेत्र में जीती गई थी, पूरे छिंदवाड़ा मॉडल कमलनाथ जी को पूरा मौका मिलता, ये 15 महीने की सरकार ना गिराई जाती तो मध्यप्रदेश भी एक स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनता। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको कंगाल और बेरोजगारी और उसमें भुखमरी में आपने देखा होगा देश के अंदर पूरे वर्ल्ड मतलब देश में हुआ, पूरे 135 देशों में 113वें नंबर पे हिंदुस्तान भुखमरी की कगार पे। क्या विकास हुआ है? आप सोचिए जब हमारे प्रदेश देश ही भुखमरी में 113 नंबर पे, तो क्या विकास हुआ होगा? चलिए व्यास जी से सवाल कर लेता हूं कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो जनता के बीच में घोषणा पत्र में थे, जो आपने बताया कि किस तरह के मुद्दे नहीं है? व्यास जी बता देंगे कि अभी किस तरह से बीजेपी ने अपने मुद्दे या घोषणा पत्र में रखे हुए हैं। जी व्यास जी, दूसरी बात है, भारत के विकास को लेकर बात करी तो आज अगर भारत के विकास को देखा जाएगा तो परचेसिंग पावर पैराडाइज हो गया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, दूसरा ग्रीन एनर्जी हो गया, 5G फिनटेक, इन सभी मामलों में आज भारत वैश्विक पटल पर प्रथम 5 के मध्य में आ जीत है। दूसरा ईपीएफओ का जो खाते है वो पहले 11 करोड़ हुआ करते थे, 27 करोड़, मतलब हमने 16 करोड़ रोजगारों का निर्माण करा है, 8 करोड़ के आसपास हमने मुद्रा लोन दिया जिसमें आपका ऑडियो 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 व्यास जी ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही है, ऑडियो का इश्यू आ रहा है। आपने 15 महीने की सरकार को निर्वाचित किया जी, आप देखिएगा क्या आपने विकास किया है महिलाओं के लिए, आपने क्या किया है? आज बेरोजगारी की स्थिति की आपने सरकारी डिपार्टमेंट सारे भेज दिए, आज हमारा बच्चा पढ़ा लिखा आप कहां स्थिति में, तो क्या रोजगार के लिए आपके तरफ मुदागरा? एमएसएमई की बात करें, एमएसएमई मैनेजमेंट के अलावा आपने कुछ भी नहीं किया, कभी आप सही तरीके से काम करते थे, पैसा के जनता के पैसे का दुरुपयोग किया हुआ है, कभी ढंग से पब्लिक को रोजगार की इज्जत देकर रोजगार कार्यालय में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। चलिए एक एक सवाल जो है दिनेश जी से है, क्योंकि लगातार वो लंबे उनका उनके पास अनुभव है, ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि इस समय जो है संगठन और जो प्लानिंग है बीजेपी की, उसके कारण जो उनकी हर दिन की प्लानिंग और प्रधानमंत्री के अपने दिन की रैलियां, ये लगता है कि कहीं कांग्रेस इसमें या दूसरे विपक्षी दल इसमें पीछे रह जाते हैं कि उस तरह की प्लानिंग और वो एक जीत का जीत मिलता है? इसमें कोई दो नहीं, और इसको कहने में जरा भी आशा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में एक जो सबसे बड़ी अच्छाई है वो ये है कि वो चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं, और ये लोकसभा का चुनाव नहीं, छोटे स्तर के चुनाव को भी वो लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं, और उनके यहाँ हमेशा चिंतन और शिविर का माहौल बना रहता है। जीतने के बावजूद भी वो लोग वो चर्चा उनके यहाँ बनी रहती कि हम इतने बार इस बार पिछले बार हम इतने वोट से जीते थे, इस बार हमारे इतने वोट बढ़े हैं, मतलब ये जो सिलसिला है ये सिलसिला उनके यहाँ कभी नहीं रुका। और उसका कारण सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास जो जमीनी स्तर से लेकर के जो एक फौज है कार्यकर्ताओं की, वो उनको काम करने में बहुत मदद करती है, और ऐसे चुनाव में वही एक जो है परिणाम देने में अहम भूमिका निभाती है। कांग्रेस के साथ मैंने कई बार अमित जी कई डिबेटों में मैंने एक बात कही है कि कांग्रेस के साथ मेरा, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है, उनके यहाँ कार्यकर्ता नेताओं की भीड़ तो है, कार्यकर्ताओं की कमी है। और देखिए चुनाव में बगैर कार्यकर्ता, जब तक कार्यकर्ताओं की फौज नहीं होगी आप किसी इलेक्शन को फाइट नहीं कर सकते, बिल्कुल है ना, क्योंकि उसका कारण क्या है कि कार्यकर्ता ही वो जड़ होता है जो मतदान केंद्रों से लेकर के और ऊपर मतदाता को निकालना, मतदाता से वोट डलवाना, और उसके बाद उसको मैं उसके जो भी दुख सुख है जो कुछ भी उसमें उसकी मदद करना जो भी है वही भूमिका निभाता है। तो उनके यहाँ जो कार्यकर्ताओं की कमी है वो एक बहुत बड़ा कारण है, और दूसरी बात ये लोग कभी भी किसी भी चुनाव को उसी समय बड़ा गंभीरता से लेते हैं जिस समय चुनाव नजदीक आ जाते हैं, है ना? क्या है आपने, आपने अपने अनुभव को बताया किस तरह से जो बीजेपी है लगातार उस चुनाव को लंबे समय से उसकी प्लानिंग और संगठन करती, कांग्रेस के लिए जो आपने बताया कि कार्यकर्ता जो है, इसका जवाब आपसे लेते हैं हृदय जी, उन्होंने जो बताया कि आप कार्यकर्ताओं की कमी है कांग्रेस में, नेता तो बहुत है।
देखिए ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक इतनी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस के अंदर जो आपने देखा होगा जीतू पटवारी जी को जो युवा शक्ति के रूप में लिया है, आप देखो कार्यकर्ताओं को हर पार्टी के अंदर कोई पार्टी हो कभी तो रहती नहीं है, बस ये कि थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है। आज के समय में पटवारी जीतू पटवारी जिस ढंग से एक एक छोटे कार्यकर्ताओं से 1-2 कर रहे हैं, आपने देखा होगा पूरे प्रदेश के अंदर वो लगातार दौरे कर रहे हैं, सभी नेता लोग हमारे काम कर रहे हैं, तो इस ढंग से ऐसा नहीं है 100% तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उतार चढ़ाव चलता है। जिस ढंग से हमने 2000 विधानसभा में हमारे जहाँ आपने देखा होगा तो भारतीय जनता पार्टी से कितने रैले के रैले लोग आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्वाइन कर रहे थे और वो माहौल था, लेकिन जो आपने जिस परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल खेला है, जो मध्य प्रदेश के अंदर आम जन कह रहा था, पब्लिक कह रही थी हमने वोट डाला है, मीडिया कह रही थी कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है, सब कुछ होने के बाद चलिए ये एक आपका आपका विचार हो सकते हैं इसको लेकर जो आपने पहले भी रखा है, लेकिन और कल की कमी बिल्कुल नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इसको लेकर आपने विचार रखा, चूंकि अब समय की कमी है, पहले चरण का जो मतदान है उसका चुनाव प्रचार जो है कल थम जाएगा। और आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बिग डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।